नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 28 मई दिन, आज शुक्रवार। तो आइए सबसे पहले जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जिले में 31 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे जिले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 331। ट्रैक्टर से टकराई बाइक, पिता पुत्र की मौत ने उजाड़ दिया एक हंसता खेलता परिवार। डीएसपी आवास के समीप सड़क दुर्घटना में क्रेन की चपेट में आने से बक्सर में एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। शादी समारोह में गए दिव्यांग युवक की करंट के चपेट में आने से हुई मृत्यु। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। न्यूज बुलेटिन छोटा है और सबसे पहले हम इस बुलेटिन की शुरुआत करना चाहेंगे अपने जिलेवासियों को देते हुए कोरोना अपडेट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार 31 लोग और कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। जो टेस्ट अभी चल रहे हैं उनमें 27 लोग इनफैक्ट ऐसे बचे हैं जिनके अंदर कोरोना होने की पुष्टि की गई है। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा बन रहा है एक्टिव केसेस का वो 331 का बन रहा है जो कि अभी इलाजरत है। सुकून की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से एक भी ऐसी मृत्यु को उजागर नहीं किया गया है जो कि कोरोना के कारण से हुआ है। तो अभी भी मृतकों की संख्या 123 पर रुकी हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि यह आंकड़ा और ज़्यादा ना बढ़े। तो कुल मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो रास्ते पर हमने चलना शुरू किया था वो रास्ता हमें हमारे मंजिल की तरफ ले जा रहा है। जिला प्रशासन के इस प्रयास की हम सराहना करेंगे कि लगातार जिला प्रशासन ने स्थिति की भयावहता को समझा, लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, हर एक गली चौराहे पर अपनी पहरेदारी सख्त कर दी, लोगों को ये बताया कि स्थिति बड़ी खतरनाक है, आप कृपया बचने की कोशिश करें। और राजा कितना भी चतुर हो, जब तक प्रजा उनका साथ नहीं देती तब तक राजा कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि प्रजा, यानी कि हमारे ज़िले की जनता। और ज़िले की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि बड़ा श्रेय आपको जाता है कि हमारा ज़िला कोरोना मुक्त होने के कगार पर आगे बढ़ रहा है। आपने पूरे संयम, समझदारी, विवेकशीलता का परिचय दिया है। आपने ये समझा है कि हमें मास्क पहनना है, हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है, हमें भीड़ में नहीं जाना है। और आपने यह काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पुलिस के डंडे का डर था। लोगों ने यह समझा कि पुलिस के डंडे का नहीं बल्कि यमराज के डंडे का डर है। जिस तरीके से हमने मौत देखा अपने आंखों के सामने, वो मौत का मंजर, वो लाशों का जखीरा, गंगा में बहती हुई लाशें, वो तमाम दृश्य हमारे ज़िले को, स्थिति की भयावहता को समझा पाया। और लोगों ने अपने ज़िंदगी को सुरक्षा करने के लिए ये लड़ाई लड़ी। अभी जो कोरोना से युद्ध हमारे ज़िले के लोग लड़ रहे हैं वो किसी के भय के कारण नहीं बल्कि कोरोना से हमें बचना है ये सोचकर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारी ज़िंदगी खतरे में है, और ज़िंदगी को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें अब ये बात समझ लेना ही होगा। और आखिरकार अब उस राह पर हम चल पड़े हैं जब चंद ही दिनों में एक ऐसा न्यूज़ बुलेटिन आएगा जब हम आपको बता रहे होंगे कि हमारा ज़िला हो चुका है कोरोना मुक्त। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़ी स्पीड के साथ हम उस दिन पर पहुंच जाएं जब हम अपने आप को कोरोना मुक्त कह पाएं। एक बार पुनः आप तमाम ज़िलेवासियों को बधाई कि आपने कोरोना की गति को धीमी कर दिया, या यूं भी कहें कि कोरोना अपने पीक से नीचे उतर रहा है और हमने अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया। और भी जो अपडेट्स आएंगे कोरोना से रिलेटेड वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिछले लगातार कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे न्यूज़ बुलेटिन्स बना रहा हूं जिसमें कि सड़क दुर्घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं। और आज एक बार फिर एक ऐसे सड़क दुर्घटना की चर्चा कर रहा हूं जिसने कि एक समूचे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया। ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ी थी और बाइक उससे टकरा गई और उस पर सवार जो पिता थे, जिनका नाम संजय चौहान है, चौहान था, मात्र 28 वर्ष उनकी उम्र थी, और उनका बेटा जो कि मासूम बालक 5 वर्ष का जो उनके साथ बैठा हुआ था, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इन दोनों की मौत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि संजय चौहान अपने 2 पुत्रों और अपने पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी शादी समारोह से शामिल होकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। घर से कुछ दूरी पर भागीरथा गाँव के समीप ट्रैक्टर जो कि सड़क के किनारे खड़ी थी उससे उनकी बाइक टकरा गई और ये दुखद घटना घटित हो गई। सड़क के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, सड़क पर बेतरतीब ढंग से कहीं पर भी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और लगातार और हमेशा ये कार्य होता है लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। हम ये समझ नहीं पाते कि आपके बेतरतीब ढंग से गाड़ी खड़ी कर देने से कितनी बड़ी घटना घटित हो सकती है। आपके लिए महज 2 व्यक्ति मरे होंगे लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। बताया ये जा रहा है कि उनकी पत्नी अनीता देवी उनके बाइक के पीछे बैठी हुई थी, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। उनकी गोद में 6 माह का एक मासूम बच्चा था। ईश्वर ने उस बच्चे को सुरक्षित रखा है।
लेकिन उस 6 माह के मासूम बच्चे को शायद बड़े होने पर याद भी ना रह सके कि जब वो बाइक पर अपने पिता के साथ बैठा था तब उसके पिता हमेशा के लिए उसको छोड़कर चले गए। कभी कभी नियति ऐसा खेल खेल देती है कि शब्दों में उसको बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप परिकल्पना करके देखिए कि उस परिवार पर क्या गुजारी होगी और कैसे वो विधवा माँ अपने बेटे का पालन पोषण कर सकेगी, कैसे वो अपने 5 वर्ष के बेटे के खोने के गम को सह सकेंगी। आप ये कल्पना करके देखें कि उनके परिवार के सदस्यों का क्या हाल रहा होगा। मेरी गुजारिश होगी ऐसे तमाम लोगों से जो कहीं पर भी आप अपने गाड़ी को खड़ी कर देते हैं सड़क के किनारे। हमारे यहाँ सड़क कोई आगरा का हाईवे नहीं कि 10-10 गाड़ियाँ गुजर सकती है, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी गुजरती है। आपके एक तरफ गाड़ी खड़ी कर देने से दूसरी तरफ से जो गाड़ी खड़ी आ रही होती है फिर बीच में रास्ता नहीं बच रहा होता है और ऐसे में इस प्रकार के दुखद घटना घटित हो जाते हैं। हम कर तो कुछ नहीं सकते न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि शोक संतृप्त जो परिवार है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उस 6 माह के मासूम बच्चे की रक्षा करें, उस माँ को इतनी शक्ति दे जिससे कि अपने पति को खो दिया है, अपने 5 वर्ष के जिगर के टुकड़े को खो दिया है, लेकिन 6 माह का जिगर का टुकड़ा उसके साथ है। माँ को सुरक्षित करे और इतनी शक्ति दे कि वो अपने 6 माह के मासूम बच्चे का पालन पोषण कर सके और उसको बड़ा होकर माँ और बाप दोनों का प्यार दे सके। आगे बढ़ना चाहेंगे। DSP आवास के समीप बक्सर में एक और दुखद घटना घटित हुई है जब बाइक पर सवार ही एक महिला की मृत्यु हो गई है। बताया ये जा रहा है कि वो महिला अपने रिश्तेदार देवर के साथ, जिनका नाम ललन तिवारी है जो कि बाइक चला रहे थे, अपने ससुराल से अपने मायके लौट रही थी और उनका मायके अब आ चुका था क्योंकि वो बक्सर में प्रवेश कर चुकी थी, उनको सोहनी पट्टी जाना था। लेकिन मंजिल से चंद कदमों की दूरी पर नियति को कुछ और ही मंजूर था और बाइक पर बैठी हुई पूजा तिवारी अपने ज़िंदगी को गंवा दी। बताया ये जा रहा है कि किला मैदान के ठीक सामने ये घटना घटित हुई है। बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण वो बाइक गिर पड़ा और क्रेन के चपेट में आने से उस महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ललन तिवारी घायल हो गए। 2 बच्चे भी उस पर बैठे हुए थे जो कि सुरक्षित है। चूँकि पुलिस चंद कदमों की दूरी पर ही मौजूद थी तो पुलिस को पहुँचते हुए देर नहीं लगी, लेकिन जब तक कि कोई कुछ कर पाता तब तक पूजा तिवारी अपना दम तोड़ चुकी थी और उनकी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी थी। सड़क दुर्घटना होना निसंदेह बहुत ही दुखद है। सड़क पर होने वाली मौतों से हम कैसे बचें? हम तो लगातार न्यूज़ बुलेटिन बना रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि सड़क पर हमारी ज़िंदगी कितनी खतरे में है। सड़क पर चलते समय न केवल आपको अपने आप से बल्कि तमाम लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कब कहां से किस प्रकार से कौन मौत की घंटी लेकर आपके पास पहुंच जाए कोई नहीं जानता। अभी आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में 2-2 ऐसे घटनाएं हमने देखा जिसमें कि 2 परिवार उजड़ चुके हैं। ये घटना गुरुवार 11 बजे दिन की है। हम मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि वो इस असहनीय पीड़ा को सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके और ज़िंदगी को सुचारू रूप से जी सके। हम मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और दुखद घटना घटित हुई है। करंट की चपेट में आ जाने के कारण किसी के घर का चिराग बुझ गया। वैसे तो बिजली का करंट हमारे घर में रोशनी करता है, लेकिन कभी कभी यही बिजली का करंट हमारे घर की रोशनी को समाप्त कर देता है, हमारे घर के चिराग को बुझा देता है। तिलक राय के हाता ओपी के अंतर्गत नियाजीपुर एक गाँव आता है जहाँ पर एक छोटा सा डेरा है, दादा बाबा का डेरा। उसी जगह के निवासी थे राकेश कुमार जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उनके पिता का नाम पारसनाथ सिंह है और वहीं पर यह दुखद घटना घटित हो गई। धारा प्रवाहित बिजली के खंभे से शायद वो संपर्क में आ गए जिसके कारण उनको करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे हैं, वो अपने पीछे अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं। दोनों बच्चों के ऊपर से पिता का आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। पत्नी विधवा हो चुकी है, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा ये बहुत बड़ी विपत्ति है। प्रशासन को, हमारे इस इलाके के जनप्रतिनिधियों को अवश्य आगे आना चाहिए और इस परिवार को देखना चाहिए क्योंकि दिव्यांग थे फिर भी वो अपने घर के लिए सहारा थे।
एक परिवार का, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, अब वो नहीं रहे। हम उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और परिवार को सहन शक्ति मिले और जनप्रतिनिधि आगे आकर आर्थिक रूप से इस परिवार की सहायता करें, ऐसा हम आह्वान करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। अटाऊ पंचायत के एकौनी गांव में कमीशन का खेल चल रहा है, जिससे कि गली और नली के निर्माण कार्य को रोका जा चुका है। डुमराव अनुमंडल के अटाऊ पंचायत के एकौनी गांव में वार्ड नंबर 10 में यह काम चल रहा था, जिसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों से बात करने पर उन लोगों ने ऐसा बताया कि उनके वार्ड के प्रतिनिधि हैं अजीत राम तथा सचिव हैं श्री भगवान यादव, और इन्हीं दोनों के बीच में कमीशन का कुछ ऐसा खेल खेला गया, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य इनके गांव में चल रहा था वार्ड नंबर 10 में, उसको बंद कर दिया गया। ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए था इस विकास की दौड़ में, इस लाभ से उन्हें वंचित कर दिया गया। ग्रामीणों के अंदर काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान देना आवश्यक है कि इन्हीं ग्रामीणों के चुनाव में दिए गए मतदान के कारण आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आप अपने वार्ड के ग्रामीणों को ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उनके आक्रोश का आपको भजन बनना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनप्रतिनिधि इस समस्या पर ध्यान देंगे और एकौनी गांव में आई हुई इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे बक्सर जिले का अपडेट है, जिसमें कि लगातार मैंने 3 घटनाएं बताई और तीनों में किसी ने अपनी जिंदगी गंवाई और उनके जाने के बाद उनके पूरा परिवार उजड़ गया। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि न केवल न्यूज बुलेटिन के रूप में हमारे इस वीडियो को आप देखें, आप इस वीडियो को एक मार्गदर्शन के रूप में देखें, एक मोटिवेशन के तौर पर देखें। गुजारिश करता हूं अपने तमाम दर्शकों से, जिंदगी एक ही बार ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, किसी भी कीमत पर इसको बचा कर रखें। वैसे होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी अपने तरफ से सावधानी हर जगह अवश्य है। प्रयास करें सड़क पर जब भी रहें, बिजली के खंभे से आप कभी टच ना करें। सड़क पर बाइक चला रहे, पैदल चल रहे, कार चला रहे, हमेशा जीवन को सलामत रखने की सोचें, और न केवल आप अपने ही जीवन के बारे में सोचें, आपके कारण किसी और का जीवन संकट में ना पड़े, इसका भी आप भरपूर ख्याल रखें। तो यह हमारे बक्सर जिले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा सकुशल रहना आवश्यक है, आप सकुशल रहें, हम भी सकुशल रहें और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जीते रहें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, और आपकी ज़िंदगी में कोई अनहोनी घटना घटित हो ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने होंगे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।